हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर सेफ। और मैं आपकी एजुकेटर शीना आप सबके साथ आज फिर जुड़ गई हूँ करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में। मैं आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 4 जेके एसएसबी के लिए, इस पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे आज का टॉपिक हमारा क्या है। लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन, करियर सक्सेस का ये ऑफिस का नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। नंबर है 9419145317। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं और इनसे आप बात कर सकते हैं। आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, जेके एसएसबी का पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट होगा, या फिर जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट्स, या फिर जो ऑलरेडी नोटिफाइड है जेके एसएसबी क्लास 4, ठीक है, इन सब के बारे में आई होप, आई नो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू हैव टू गेट योर क्वेरीज सॉल्व, ठीक है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं एंटोनियम्स है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश की जो ये सीरीज है, जो आपका जेके एसएसबी क्लास 4 के जो पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं उस पर हमने बात स्टार्ट की है। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश की बात स्टार्ट की है, ठीक है। इंग्लिश में हम सिनोनियम्स देख चुके हैं, आज बारी है तो एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स अगर देखा जाए तो ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, लॉन्ग का शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम एंटोनियम्स पढ़ेंगे जिनका मतलब उल्टा हो, ठीक है। क्वेश्चंस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर क्या करता है, एक वर्ड आपको दे देता है, ठीक है, एक वर्ड आपको मिलता है और चार ऑप्शंस आपके पास होते हैं। उन चार ऑप्शंस में से आपको ये बताना होता है कि इस वर्ड का एंटोनियम क्या है। मतलब एंटोनियम इज ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो बात करते हैं आज के पहले वर्ड की, ठीक है। पहला वर्ड है बार्बरस। क्या है ये वर्ड? बार्बरस। बार्बरस का मतलब होता है क्रूअल। क्या होता है? क्रूअल। अगर आप बार्बरस नेचर के हैं या अगर आपने कोई बार्बरस एक्ट किया है, इसका मतलब आपने बहुत ही क्रूअल एक्ट किया है। तो इसका ऑपोजिट आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। उन चार ऑप्शंस में से ये जो वर्ड है काइंड, ये इसका एंटोनियम बन जाएगा, ये इसका उल्टा बन जाएगा। काइंड का मतलब क्या होता है? दया की भावना जिसमें हो, और जिसमें ना हो वो क्या हो? वो बार्बरस है। वो क्या है? बार्बरस है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट वर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन, ठीक है। कंपैशन किसी के लिए होना, ठीक है, किसी की तरफ दया की फीलिंग होना या किसी के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग होना कहलाती है कंपैशन। अगर आप किसी के प्रति कंपैशन रखते हैं, ठीक है, उसके प्रति दया की भावना रखते हैं तो आप कंपैशनेट कहलाते हैं। यदि उसका ऑपोजिट देखा जाए, उसका उल्टा, अगर आप किसी के प्रति हेट्रेड फील करते हैं, ठीक है, घृणा फील करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रेड। लव का ऑपोजिट हेट्रेड है, वैसे ही कंपैशन, अगर आपके लिए किसी के दिल में दया की भावना है, किसी के प्रति कोई पॉजिटिव फीलिंग है, तो यू आर कंपैशनेट और यू आर कंसिडरेट, ठीक है, कंसिडरेट भी कहते हैं उसको ऑपोजिट। या तो आप उसे हेट करते हैं, ठीक है, या आप बिल्कुल अनफीलिंग है उनकी तरफ, कोई फीलिंग्स आपके मन में उनके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एडवर्सिटी। क्या कहता है इसे? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो क्या कहते हैं उसे? एडवर्सिटी। आप किस में हैं? आप प्रॉब्लम में हैं। इफ़ यू आर इन अ ट्रबल, तो आपके सिचुएशंस कैसे हैं? क्या बोलते हैं इसे? उन सिचुएशंस को कहा जाता है एडवर्स, ADVERSE, एडवर्सिटी, ठीक है। इस एडवर्सिटी का राइट ऑपोजिट क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी। जब आप तरक्की करते हैं तो तरक्की क्या कहलाती है आपकी? प्रॉस्पेरिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है
एटर्नल, क्या है ये वर्ड? एटर्नल। एटर्नल का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं आर एटर्नल लव टुवर्ड्स गॉड या फिर टुवर्ड्स आर पेरेंट्स। एटर्नल होता है जो सदा के लिए होता है, जो हमेशा के लिए होता है, वो क्या कहलाता है? एटर्नल। और इसका मैं ठीक ऑपोजिट बता दूं, इसका उल्टा बता दूं, तो क्या होगा? टेम्पररी। क्या होगा? टेम्पररी। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठें। उससे क्या होगा, आप जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनते हैं, ठीक है, जो आप अपने हाथों से एक बार लिखते हैं फिर आप कभी नहीं भूलते। तो बेटर है कि आप एक नोटबुक, एक पेन लेकर बैठें, ताकि इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में रोट डाउन करें। राइट डाउन करने से क्या होगा, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दिस। दिस इज टेम्पररी। एटर्नल जो सदा के लिए हो, टेम्पररी जो शॉर्ट लिव्ड हो। क्या हो? शॉर्ट लिव्ड हो, ठीक है, जो शॉर्ट लिव्ड हो। नेक्स्ट वर्ड है डीके। आप कई बार सुनते हैं डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं जब आपका टूथ डीके करता है, मतलब खराब हो जाता है, तो क्या कहलाता है? डीके। डीके इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है खराब होना, वर्स होना। इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली फ्लरिश। जब कोई चीज फ्लरिश करती है तो वो ब्लूम करती है। ब्लूम मतलब खिल जाती है, वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती है, तरक्की की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो डीके आपने जैसे ही वर्ड देखा एग्जाम में, फटाफट से इसको ऑपोजिट, इसका एंटोनियम क्या लिख डाला? फ्लरिश। चार ऑप्शंस में से फ्लरिश आपको होगा आपके पास, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है फ्लरिश ही वर्ड आपके पास आ जाए, ब्लूम आ जाए, ब्लॉसम आ जाए, तो आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम में कि नियरेस्ट वर्ड आपको ढूंढना पड़ता है, कई बार जरूरी नहीं है फ्लरिश ही आ जाए, कोई और वर्ड आ जाए जिसका मतलब फ्लरिश ही हो। इंग्लिश एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नियरेस्ट वर्ड जो है डिके का ऑपोजिट जो है उस पर आप टिक करके आएंगे और अपने मार्क्स पक्के करके आएंगे। नेक्स्ट है वर्ड इनएविटेबल। क्या है ये वर्ड? इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है पक्का, जो होकर ही रहेगा। जैसे मैं कहूँ डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है, डेथ इनएविटेबल है, क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन आनी ही आनी है, तो जो चीज इनएविटेबल होगी उसके बारे में कोई शक नहीं होगा, कोई जो शंका है आपके मन में नहीं होगी, कोई वहम नहीं होगा, वो आनी ही आनी है, वो होकर ही रहेगा। तो इसका उल्टा बोल दिया जाए तो डाउटफुल, जिसमें आपको क्या हो? डाउट हो। जब आपको किसी पे डाउट होता है तो आप कैसे होते हैं? आप डाउटफुल होते हैं, आप क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनएविटेबल का जस्ट उल्टा डाउटफुल होगा। इसके बाद ये वर्ड आपने पढ़ा होगा जुवेनाइल, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपने सुना होगा। जुवेनाइल का मतलब जो अडल्ट ना हो, जो बच्चा हो, जो छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल। अडल्ट में जो नहीं आए वो किस में आएगा? जुवेनाइल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, अडोलेसेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, 9-10 की ईयर्स से प्लस प्लस जो बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल जो है कहलाते हैं। इसका ऑपोजिट होगा डॉट एज। जुवेनाइल एक स्टेज है लाइफ की, वैसे ही डॉट एज भी एक स्टेज है लाइफ की। डॉट एज का मतलब होता है जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो आप कौन सी एज में होते हैं? यू आर इन डॉट एज, ठीक है। व्हेन यू बिकम व्हाट? ओल्ड, देन यू आर इन डॉट एज। तो जुवेनाइल वर्ड आ जाए तो आपको पता है आपको किसको टिक करके आना है? डॉट एज को। अगर डॉट एज ना आए एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल चार ऑप्शंस में आप देख रहे हैं डॉट एज आपको कहीं नहीं मिला, पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होगा जिसका मतलब डॉट एज होगा, जिसका मतलब ओल्ड एज होगा, तो आपको क्या करना है? उस ही वर्ड को टिक करके आना है। लास्ट का वर्ड फ्लिम्जी, ठीक है, क्या वर्ड है ये? फ्लिम्जी।
फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, मूवी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्लिम्सी का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, जो बिना स्ट्रेंथ के हो, ठीक है। फ्लिम्सी एटीट्यूड या फिर आपका फ्लिम्सी स्ट्रक्चर, एक फ्लिम्सी चलने का तरीका जो क्या दिखाए कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? फर्म। क्या होगा? फर्म, दृढ़। जब आप होते हैं किसी चीज को लेकर, अगर आपने निश्चय कर लिया है, अगर आपने कर लिया है ये इरादा कि आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये जॉब आप लेकर ही रहेंगे, तो आपका कैसा एटीट्यूड है? आपका फर्म एटीट्यूड है। फर्म एटीट्यूड मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या है इसका ऑपोजिट? फर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने लिखा होगा तो वेल एंड गुड, उससे बेहतर बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए। आई शिल मीट यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।